28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन सभागार में मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित विभिन्न मंत्रालयों, वैज्ञानिक संगठनों और विभागों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में 22 से 28 फरवरी तक देश भर में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए विज्ञान सप्ताह विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का समापन किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की परंपरा के मुताबिक टीएसटी की राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद द्वारा 2021 के लिए विभिन्न श्रेणियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को प्रदान किए गए। At the outset, I have to perform the pleasant task of congratulating all the recipients of the awards. मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देना चाहता हूं और मुझे यकीन है कि जब हम प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को एनएसडी पुरस्कार वितरित करने की घोषणा करते हैं तो आप सभी इन पुरस्कारों की महिमा बढ़ाने में योगदान करते हैं, ऑल ऑफ यू वुड कंट्रीब्यूट, जो कि आपने पहले भी किया है और आप भविष्य में भी यह योगदान देना जारी रखेंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी F यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए कश्मीर के जलालुद्दीन बाबा और नई दिल्ली के प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र कुमार धमीजा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान संचार की बात करें तो ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और अब ये और बढ़ जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का मतलब है कि आपको स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक एक अलग भूमिका के लिए चुना गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि यह बड़े सम्मान की बात है, आपके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। really, really wonderful, wonderful stuff in your life.